टेक। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं दिस अमेजिंग 5-in-1 स्लाइडर हीट प्रेस मशीन। अब तक की आपने जितनी भी 5-in-1 मशीन देखी है उसमें आपको ये फीचर नहीं मिला होगा, बट हम आपको यहाँ पे एक न्यू फीचर ऐड करके दे रहे हैं, स्लाइडर हीट प्रेस मशीन। तो इस मशीन को हम 5-in-1 क्यों कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस मशीन के मैं आपको ये मेन मशीन तो मिल ही रही है और इसके साथ साथ आपको ये 4 अटैचमेंट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी मग प्रिंटिंग अटैचमेंट और ये साथ में आपको मिल जाएगी कैप प्रिंटिंग अटैचमेंट, और ये है आपका एक और मग का जिससे आप छोटे या बड़े दोनों मग प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आपकी प्लेट अटैचमेंट मिल जाती है जिससे आप साथ ही साथ लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इतनी सारी अटैचमेंट्स आपको एक ही मशीन के साथ मिल जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि इस अटैचमेंट के साथ में आप किस तरह के मग्स प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप उस अटैचमेंट से इस तरह के मग्स प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास और भी प्रिंटेड मग्स हैं जो मैंने सेम अटैचमेंट से प्रिंट किए हैं। और ये जो हमारी प्लेट प्रिंटिंग अटैचमेंट है इससे आप साथ में, मैंने जैसा आपको बताया कि आप लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं, तो आप इस तरह के लोगो टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं इसके साथ में। और अगर बात करें हमारी मेन मशीन की, तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक टी शर्ट लगाई हुई है, और हम इससे सिर्फ टी शर्ट ही नहीं सभी फ्लैट सर्फेस वाले आइटम प्रिंट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ लगे सभी फ्रेम्स, जैसे कि ग्लास फ्रेम्स, रॉक फ्रेम, और साथ में ये आपके रोटेटिंग लैंप्स, और ये इस तरह के फ्रेम्स, और सब्लिमेशन कुशंस, ये देखिए इस तरह के कुशंस, और साथ ही साथ कुछ इस तरह, और इस तरह के ये हमारा मैजिक कुशन है, इस पे इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग होती है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस मशीन को यूज कैसे करना है। मशीन को ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्विच दिया गया है, इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे, और ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। अब हम इसका टाइम एंड टेम्परेचर सेट करने के लिए फर्स्टली मोड वाले बटन को क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे सेट पे ब्लिंक कर रही है लाइट, इसका मतलब हम इसको डाउन और अप करके 55 पे सेट कर देते हैं, और इसको दोबारा से सेट करने के लिए फिर दोबारा हम मोड वाले बटन को क्लिक करेंगे और अपना टेम्परेचर सेट करेंगे, इसको भी मैं 55 कर लूंगी। आफ्टर दैट मुझे दोबारा से इसको मोड वाले बटन को क्लिक करना है, क्योंकि मुझे हमारा टाइम सेट करना है। आप टाइम आपको जितना भी रखना हो इसको आप डाउन कर सकते हैं, और इससे आप दोबारा से हम मोड वाले बटन को क्लिक करेंगे, और अभी यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा करंट टेम्परेचर शो हो रहा है। तो मैं अभी आपको लाइव प्रिंटिंग करके दिखाऊंगी इस मशीन से, और मैं करूंगी स्टिकर से प्रिंट। तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लूंगी, और अभी मैं अपनी हुडी इस पे सेट करूंगी। अपनी हुडी सेट कर ली है, और मैं इस पे ये स्टिकर प्रिंट करूंगी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये DTF स्टिकर है, तो मैंने इसका टेम्परेचर 280 रखा है और टाइम रखा है 10 सेकेंड्स। तो अभी इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको अंदर स्लाइड करेंगे एंड इसको धीरे से प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको ये स्क्वायर वाला बटन प्रेस करना है, और आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे, और ये मशीन बीप कर रही है, इसका मतलब हमारा प्रिंट हो चुका है। ये देखते हैं, इसको सुन, इसको स्लाइड करके निकाल लेंगे, और ये देखिए हमारा प्रिंट हो गया है। तो हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है, ते हैं पील करके। तो ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट आया है, ये देखिए एकदम क्लियर, और कलर्स भी बहुत अच्छे आए हैं इसके। तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और ये मशीन ऑर्डर करने के लिए कैप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और ऐसे ही अमेजिंग मशीन्स की अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।